Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to learn about sale tax. As you know, sale tax is basically a tax put on consumers. This is a tax collected by manufacturers of goods and providers of services. This is collected by these providers of services and goods on behalf of गवर्नमेंट एजेंसीज एंड देन डिपॉजिट इन दैशनल ट्रेजरी सेल टैक्स हम लोग अपने तमाम अशिया से जो हम खरीदते हैं उस पर हम सेल टैक्स देते हैं ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और ये जो मैनुफक्चर है वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्मेंट अपने तमाम प्रोडक्ट्स जो सेल कर रहा है उसके अंदर ये प्राइस में बिल्ट इन करके हमें देता है और ये बेसिकली पास थ्रू टैक्स है इसका मतलब ये है कि अगर मैनुफैक्चर अपनी कोई चीज़ सौ रुपये में बेचना चाहता है और गवर्नमेंट कहती है कि इस पर दस रुपये मुझे दो तो मैनुफैक्चर जब आपको कोई चीज़ बेचेगा तो वो एक सौ दस रुपये की होगी सौ रुपये वो अपने पास रखेगा और दस रुपये वो गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा गंज... कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन करेंगे उतना ही आप ये टैक्स देंगे बहुत सारी चीज़ों पे ये टैक्स एग्जम्पन भी होती है। हम आप आगे चलते हुए देखेंगे कि किन चीज़ों पे या किन एजेंसीज़ पे टैक्स एग्जम्प्ट होता है और उनको हमने कैसे हैंडल करना है लेकिन फ़िलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि सेल टैक्स वो टैक्स है जो हमें एज अ कंपनी कलेक्ट करना है फ्रॉम आर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एंड बेसिकली कीप ट्रैक ऑफ ऑल द सेल्स टैक्स कलेक्टेड एंड देन पास इट ऑन टू द बॉडी और द एजेंसी फॉर होम वी हैव कलेक्टेड टैक्स याद रहे कि टैक्स जो हम लोगों से ले रहे हैं वो एक से ज़्यादा एजेंसीज के लिए भी हो सकता है हो सकता है कि ये फेडरल टैक्स हो इसका मतलब ये है कि हमारे फेडरल एजेंसीज के लिए हमने ये टैक्स कलेक्ट किया है हो सकता है ये सूबाई टैक्स हो हमने प्रोविंशियल एजेंसी के लिए ये टैक्स कलेक्ट किया है हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज टैक्स हो और हमने सिटी गवर्नमेंट के लिए ये टैक्स कलेक्ट किया है सो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स किस एजेंसी के लिए है कितने रेट पे है ताकि हम कलेक्ट करके उसको सही जगह रिकॉर्ड कर सकें अगर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे 15 परसेंट टैक्स ले रहे हैं जिसमें से 5 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है 5 परसेंट प्रोविशियल गवर्नमेंट के लिए है और 5 परसेंट हमारी सिटी गवर्नमेंट के लिए है तो हमारे रिकॉर्ड को ये शो करना चाहिए कि हमने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये जो टैक्स कलेक्ट किया है वो इन तीन एजेंसीज़ के खाते में जमा हो रहा है और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम ये तमाम पेमेंट्स उन एजेंसीज़ को कर रहे हैं इसका पीरियड का तयन ये एजेंसीज़ खुद करती हैं और हमें बताती हैं कि आपने हमें जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है कब कब जो है अदा करना है हो सकता है मंथली हो, हो सकता है क्वार्टरली हो, हो सकता है बाई एन्यूअल बेसिस पे हो और हो सकता है ईयर एंड पे आपने एक दफ़ा ही ये टैक्स जमा कराना हो लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर आपका बिजनेस चल नहीं सकता ये सेल टैक्स कौन देगा ये वो तमाम इदारे देंगे जो कि गवर्नमेंट की इन एजेंसी से रजिस्टर्ड हैं इसमें चीज़ें बनाने वाले भी हैं इसमें सर्विसेज देने वाले भी हैं इसमें इम्पोर्टर्स भी हैं और इसमें एक्सपोर्टर्स भी हैं जो भी कोई बिजनेस रन कर रहा है वो किसी ना किसी टैक्स रिजीम के अंदर लाई करता है और हो सकता है वो एक से ज़्यादा टैक्स रिजीम के अंदर लाई करता हो इन दैट केस उसको ये टैक्स कलेक्शन एक से ज़्यादा टाइप्स के करना होंगे इस तमाम चीज़ को हमें बड़ा विजिलेंटली मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड करना है क्योंकि दिस इज़ ऑडिटेबल और क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज़ आर रही इन्वॉल्व वो हमेशा हमसे हमारा रिकॉर्ड मंगवा सकती हैं चेक करने के लिए कि हमने वाकई जितनी सेल्स हम बता रहे हैं उतनी की हैं और इसके अगेंस्ट इतना ही टैक्स बनता है और क्या हमने ये टैक्स सही तरीके से उनको अदा किया है टाइमली बेसिस पे या नहीं बज दफ़ा ये भी हो सकता है कि हमने सेल्स तो दिखा दी है लेकिन अभी हमने पैसे कलेक्ट नहीं किए इन दैट केस ये डिफर्ट पेमेंट होती है और इसकी एडजस्टमेंट हम क्लेम कर सकते हैं लेकिन ये तमाम अकाउंटिंग चीज़ें हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट और वो एजेंसी आपस में म्यूचुअली एग्री करते हैं और उस बेसिस पे हम अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं सो बेसिकली एवरी वन इज़ रनिंग बिजनेस एंड इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट has to pay sales tax until and unless he is exempted. Exempted का मतलब ये है कि उसको sales tax से मुस्तना करार दे दिया गया हो क्यों करार दे दिया जाता है कैसे करार दे दिया जाता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन दो या तीन टाइप से रजिस्ट्रेशन होती है एक जब भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहेंगे आप अपनी नई कंपनी खोलेंगे उसको खोलते वक्त ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें कंपलसरी है कि आपके पास सेल टैक्स हो नहीं तो आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच ही नहीं सकते और आपने कंपनी जब खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन एजेंसी के पास जाएंगे, तो वो कहेगा कि आपने सेल टैक्स नंबर लेकर आए, ताकि आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर किया जा सके दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सेल्स टैक्स के रूल लोग में मुतारफ़ कराती है और कहती है कि जो कंपनियां इस टाइप का, का काम कर रही हैं इस टाइप का बिज़नेस कर रही हैं वो हमारे पास वॉल्ट्री आके रजिस्टर करवा लें और अगर करवाएंगे तो उनको कुछ मराद भी दी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी बिज़नेस जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या आपने सेल टैक्स देना है किन एजेंसी उसके पास आपने अपने आपको रजिस्टर करवाना है बिज़नेस करने के लिए क्योंकि आपका सेल टैक्स आपने काट के देना है और बस जगह आप सेल्स टैक्स अदा कर रहे होंगे ऑन रॉ मटेरियल एंड अदर स्टफ़ यू मस्ट आल्सो नो द रेट ऑफ सेल टैक्स एंड डिफरेंट एस आर विच कम अलॉन्ग ड्यूरिंग द फिजल ईयर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द टैक्स रेट ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो उस के बाद ही आप सही तरीके से सेल्स टैक्स काट सकते हैं और अपने कंज्यूमर या क्लाइंट से क्लेम कर सकते हैं याद रहे कि अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि सेल्स टैक्स हमारा सिर्फ और सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है जो हम दुकानों पे बेचते हैं कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट का डब्बा या कोई भी चीज़ उठा के देखें उसमें प्राइस के अलावा सेल टैक्स लिखा हुआ होता है लेकिन सेल्स टैक्स हमारे तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर भी लागू है होटल डॉक्टर अकाउंटेंट ये तमाम लोग सेल्स टैक्स के दायरे में आ गए हैं ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इनकम टैक्स देते हों, बल्कि सूबाई गवर्नमेंट को इन्हें सेल्स टैक्स भी देना होता है कोई भी अदारा बिजनेस या कंपनी जो अपने आपको रजिस्टर कराती है सेल्स टैक्स में उसके चंद कंडीशंस होती है जो उसके ऊपर अप्लाई करती है एक तो ये कि उस कंपनी को कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लेयर ना किया गया हो उसकी सालाना सेल पचास लाख रुपए से ज़्यादा हो वो इंपोर्टर भी हो सकता है वो एक्सपोर्टर भी हो सकता है होल सेल डीलर भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है ये तमाम लोग वो हैं जो ख़ुद चीज़ें नहीं बना रहे लेकिन एक इदारे से चीज़ें खरीद के आगे बेच रहे हैं जिसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होगा उसे अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी है और इसके अलावा जब भी प्रोविंशियल या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी डिक्लेयर करती है कि इस टाइप के तमाम बिजनेसेस हमारे पास रजिस्टर होना ज़रूरी हैं तो यू हैव टू तो गेट यू सर रजिस्टर्ड सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन एंड द लॉ कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली वो छोटी इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट ने कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया गया है कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन आजकल ये है 50 लाख से कम टर्नओवर है इसका और इसके यूटिलिटी बिल्स बिजली पानी गैस का बिल 7 लाख रुपए से ऊपर नहीं होता लेकिन एज इन व्हेन रिक्वायर्ड गवर्नमेंट अपने सेट ऑफ रूल्स चेंज कर सकती है सेल्स टैक्स अदा करने का और रिकॉर्ड करने का सही तरीक़ा वो है कि हम अपनी तमाम सेल्स इन वॉइस में सेल्स टैक्स का एक कॉलम या रो ज़रूर रखें जिससे पता चल सके कि हमने इस पूरी ट्रांजैक्शन में कितना सेल टैक्स काटा आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास कोई बिल आता है तो उसमें आपकी जो भी डिटेल्स हैं कंजम्पशन की उसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स टैक्सेस के ऊपर होती हैं अगर आप अपना बिजली का बिल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके एक पेमेंट अगेंस्ट दोज यूनिट्स यूज आ रही होगी जो आपने बिजली के इस्तेमाल किए हैं और एक और पोर्शन उस बिल में लगा होता है जिसमें मुख्तलिफ़ टैक्सेस जो आपके ऊपर लागू हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट पेबल अगेंस्ट यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी उसकी पूरी डिटेल मौजूद होती है इन दोनों को मिला के आपका बिल बनता है इसी तरह अगर आप पेट्रोल ख़रीदते हैं तो आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस पे भी मुख्तलिफ़ लीव एंड टैक्सेस एप्लीकेबल हैं तो हम पेट्रोल के साथ ही इन टैक्सेस को भी अदा करते हैं अब स्कूल में भी डॉक्टर्स के पास भी और दूसरी सर्विसेज़ पे भी टैक्स लग गया है और आपके पास जब भी बिल या चलान या इन्वाइस आएगी तो उसमें अलग-अलग से मैंशन होता है कि इसके ऊपर टैक्स कितना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपकी कंपनी सेल्स टैक्स की इन्वाइस बनाए तो उसमें ये बताए कि ये सेल्स टैक्स वो किस एजेंसी के लिए काट रही है क्या ये एक्साइज ड्यूटी है क्या सेल्स टैक्स है क्या विदहोल्डिंग टैक्स है और इस टैक्स का इम्पैक्ट क्या है परसेंटेज वाइज एंड अमाउंट वाइज ये तमाम चीज़ें टोटल होके आपके एंड पेबल पे रिफ्लेक्ट होती हैं और इनको हम इसी तरह से अलग-अलग अपने अकाउंटिंग बुक्स में या क्विक बुक्स में रिकॉर्ड करते जाते हैं रीज़न बीइंग कि सेल्स टैक्स इन्वाइस वो डॉक्यूमेंट है जो कि ऑडिटेबल है जो आपने किसी भी एजेंसी को एज एंड वेन रिक्वायर्ड ऑडिट के लिए दिखाना है कि हमने ये इन्वाइस दी थी और ये हमने टैक्सेस काटे हैं और ये हमारे पास बुक में या सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सेल्स टैक्स इन्वाइस की एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें ऊपर सारे आइटम्स और उनकी डिटेल्स उनकी प्राइस मौजूद है और नीचे अगर एक ही सेल्स टैक्स या उससे ज़्यादा सेल्स टैक्स एप्लीकेबल हैं तो उस टोटल अमाउंट के ऊपर ये टैक्स आपके एज़ पर परसेंटेज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा इसकी एक और मिसाल ये लें कि हमारे पास बाज़ आइटम टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे अजनास और चीज़ें जो लोगों के रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं जिसमें खाने के लिए चावल दाल गोश्त वगैरह शामिल है उसे सेल्स टैक्स से मुस्तनी करार दिया है इसीलिए अगर आप बड़े स्टोर्स में सेल्स टैक्स इन्स निकालेंगे या अपनी इन्वास निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस इन्वास में तमाम आइटम जो लिस्टेड हैं उनके साथ ये भी लिस्टेड होता है कि ये टैक्स इनके ऊपर कितना था टोटल टैक्स आपने कितना दिया और कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो टैक्स से मुस्ना हैं और सिफर हैं और ये सारी डिटेल आपको दी जाती है यही तरीका है कि हमें पता चलता है कि हमें सेल टैक्स का रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना है